अगली खबर है कानपुर से। नगर आयुक्त की डीपी लगाकर निगम अधिकारी से ठगी की बात सामने आई है। जोनल अधिकारी राजेश गुप्ता समेत कई अफसरों के फोन पर आया था मैसेज, अमेजन के गिफ्ट वाउचर के नाम पर 50,000 की हुई ठगी। स्वरूप नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की कर रही है जांच पड़ताल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर मामले की जांच पड़ताल किए जाने की बात सामने आई है और अमेजन की गिफ्ट वाउचर के नाम पर 50,000 की ठगी हुई है। अमेजन की गिफ्ट वाउचर के नाम पर 50,000 की ठगी होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वरूप नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी कर रही है। तो स्वरूप नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की कर रही है जांच, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की अहम खबर, अमेजन के गिफ्ट वाउचर के नाम पर 50,000 की ठगी होने की बात सामने आई है। और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर नगर आयुक्त की डीपी लगाकर निगम अधिकारी के साथ ठगी की गई है। तो नगर आयुक्त की डीपी लगाकर यहां पर ठगी किए जाने की बात कही जा रही है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है जहां पर नगर आयुक्त की डीपी लगाकर निगम अधिकारी से ठगी की गई है। और हमारे साथ कानपुर से सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सुनील जी, यहां पर डीपी लगाकर निगम के ही अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं राजेश गुप्ता, इनका इनसे जो इन्होंने थाने में शिकायत की है उसमें बताया गया है कि शुक्रवार को नगर आयुक्त श्री सन्नप्पा जी लखनऊ गए हुए, तो उसी दौरान उनके मोबाइल पर, उसके अलावा नगर निगम के कई अधिकारियों के मोबाइल पर मैसेज आया है कि उनको अचानक किसी को जरूरत पड़ गई है। इसके लेकर तो उन्होंने 3 अलग अलग बार में ये मैसेज आया, उसके बाद उन्होंने तत्काल जो उन्होंने जो उस मैसेज जो जिस मोबाइल नंबर से आ रहा था उस पर जो डीपी थी वो नगर आयुक्त की लगी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने ये लगा कि संभवतः नगर आयुक्त ने ये वाउचर खरीदने के लिए उनसे कहें, जिसके चलते उन्होंने करीब 50,000 रुपए के वाउचर खरीद कर अमेजन पर खरीद लिए। और जब बाद में उनसे बात की तो उनको जानकारी हुई कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं करी थी, यही कारण था। इसके बाद उनको ये जानकारी हुई कि जब और भी अधिकारियों से पूछताछ की गई तो सबने बताया कि उनके भी मैसेज पर इस तरीके मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज आया था, जिसके बाद स्वरूप नगर थाने में सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी हैं उनके बारे में पड़ताल कर रही है। हालांकि जो डीसीपी वेस्ट है उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग है जो नंबर हैक करके उसमें अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको उनको उस तरीके के डीपी ये संदेश भेजता है, जिसके बाद कुछ लोग हड़बड़ी में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद जब ठगी का शिकार हो जाते हैं तब मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो थाने पहुंचते हैं। लेकिन ये फिलहाल अधिकारी ने मामले की जांच कराने के लिए सर्विलांस टीम को इस पूरे मामले की जांच दे दी है, सर्विलांस टीम मामले की पड़ताल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।